बच्चों, आपने अभी उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में सुना। चलिए हम भी उत्तल लेंस और अवतल लेंस लेकर एक क्रियाकलाप करते हैं, जिसमें हम यह देखेंगे कि जब प्रकाश की किरणें इन लेंसों पर आपतित होती हैं, तो अपवर्तन के पश्चात वो किस प्रकार गमन करती हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे उत्तल लेंस और उसके बाद हम इसी क्रियाकलाप को करेंगे अवतल लेंस के साथ। देखिए बच्चों, चलिए हमने यहाँ पर ये एक उत्तल लेंस लिया है और अब देखिए सबसे पहले मैं उसमें एक प्रकाश की किरण आपतित कर रही हूँ। ये देखिए ये लेंस के केंद्र से होकर गुजर रहा है और ये बिल्कुल सीधा जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये अपवर्तन के पश्चात भी बिल्कुल सीधी दिखाई दे रही है, तो हम इसे मुख्य अक्ष कह सकते हैं। और अब हम इस मुख्य अक्ष के समानांतर कुछ प्रकाश की किरणें जो हैं वो लेंस पर आपतित करते हैं, ये देखिए। और अब आप क्या देख रहे हैं कि अपवर्तन के पश्चात ये क्या दिखाई दे रहा है, लेंस के दूसरी ओर देखिए ये जो अनंत से आती हुई आपतित किरणें हैं, ये अपवर्तन के पश्चात आपको मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, ये अभिसरित हो रही हैं। तो जिस बिंदु पर लेंस के अपवर्तन के पश्चात आपको जिस बिंदु पर अपवर्तित किरणें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, यही इसका फोकस बिंदु है। देखो अब हमने ले लिया है अवतल लेंस। अब हम देखिए सबसे पहले ये प्रकाश की किरण इस पर आपतित की और ये जो किरण है वो देखिए अपवर्तन के पश्चात इसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि ये क्या है, ये इस लेंस का मुख्य अक्ष है। और अब इस मुख्य अक्ष के समानांतर हम फिर से आपतित किरणें डाल रहे हैं लेंस पर। ये हो गया, ये हमने मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आपतित की हैं और लेंस के दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि अपवर्तन के पश्चात ये किरणें क्या हो गई, देखिए ये हो गई हैं अपसरित, यानी कि ये एक दूसरे से दूर हट रही हैं। और साथ ही बच्चों देखिए ये जो दो अपवर्तित किरणें हैं इनके पीछे यदि लेंस के इस तरफ आप देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये दोनों अपवर्तित किरणें जो हैं पीछे एक बिंदु पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर ये मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो इस बिंदु से ही ये दो किरणें जो हैं वो अपसरित हो रही हैं, यही बिंदु जो है वो अवतल लेंस का मुख्य फोकस होता है। तो देखा बच्चों आपने, हमने जब उत्तल लेंस लिया तो अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर थी वह जब इस पर आपतित हुई तो अपवर्तन के पश्चात हमें लेंस के दूसरी ओर मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर वह अभिसरित होती हुई दिखाई दी, यानी कि वो उस बिंदु पर मिल रही थी, वही बिंदु जो है वो उत्तल लेंस का फोकस बिंदु है। और अब हम यदि बात करें अवतल लेंस की, तो जब अवतल लेंस पर अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के जो समानांतर थी वह आपतित हुई तो अपवर्तन के पश्चात वो अपसरित हो गई, यानी वो एक दूसरे से दूर दिखाई दी हमें। परंतु जब दूर जाने वाली जो अपवर्तित किरणें हैं उनको लेंस के इस तरफ हमने देखा तो वो किसी एक बिंदु पर जो मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती हुई दिखाई दे रही थी, वह बिंदु जो है वो अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। तो इस तरह से इन दोनों प्रकार के लेंसों से हमने वस्तु की अलग अलग स्थिति में प्रतिबिंब निर्माण देखा और ये जाना कि वस्तु की स्थिति को चेंज करते जाते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति भी चेंज होती जाती है। और यूं कहें तो वस्तु की इस लेंस से दूरी और प्रतिबिंब की इस लेंस से दूरी में एक संबंध है और यू वी और एफ में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को हम कहते हैं लेंस सूत्र। और लेंस सूत्र इस प्रकार लिखा जाता है, 1/v - 1/u = 1/f, यानी कि प्रतिबिंब से लेंस की दूरी का व्युत्क्रम में जब हम वस्तु की लेंस से दूरी के व्युत्क्रम को घटाते हैं तो वो उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है और यही लेंस का सूत्र है। और इस लेंस के सूत्र के आधार पर हम किसी भी लेंस की, उत्तल हो चाहे अवतल हो, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। और ये लेंस का सूत्र दोनों ही लेंस के लिए लागू होता है, मतलब चाहे लेंस उत्तल हो चाहे अवतल हो। पर जब हम इस पर आधारित आंकिक प्रश्न बनाते हैं तो चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब यहाँ पर हम लोग प्लस और माइनस चिन्ह का विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि यदि हम इन चिन्हों का ध्यान नहीं रखें तो निश्चित रूप से आंकिक प्रश्न में जो हल मिलेगा वो हमारे लिए गलत ही होगा। अब हमने ये भी देखा था कि वस्तु की स्थिति के आधार पर प्रतिबिंब के आकार में भी परिवर्तन हो रहा था, कभी प्रतिबिंब छोटा बन रहा था, कभी बड़ा बन रहा था, कभी वस्तु के आकार का ही बन रहा था।
जब हम तुलना करते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई को वस्तु की ऊंचाई से, तो ये राशि कहलाती है आवर्धन, और इंग्लिश में इसे हम कहते हैं मैग्निफिकेशन, और इसे अंग्रेजी अल्फाबेट के स्मॉल लेटर M से दर्शाया जाता है। तो मैग्निफिकेशन आवर्धन M बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई, यानी कि M बराबर H डैश अपॉन H, जहां H डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है और H वस्तु की ऊंचाई है। और इसको हम लेंस से दूरी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। आवर्धन M बराबर होता है प्रतिबिंब की लेंस से दूरी अपॉन वस्तु की लेंस से दूरी। तो इस प्रकार M का फॉर्मूला होता है M बराबर H डैश अपॉन H इक्वल टू V अपॉन U। और इसे भी जब हम आंकिक प्रश्न में इस्तेमाल करते हैं तो विशेष रूप से ही चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखा जाता है। अब बच्चों, इस सूत्र के अनुसार मुझे ये बताओ कि मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन का मात्रक क्या होगा। बच्चों, मैंने आपको बताया कि आवर्धन तुलना है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का, और जब हम तुलना करते हैं तो जो तुल्यात्मक मान मिलता है वो सिर्फ ये बताता है कि वस्तु कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। इसीलिए यहाँ पर मैग्निफिकेशन M का कोई भी मात्रक नहीं होगा, क्योंकि जनरली बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि पूछा जाता है कि मैग्निफिकेशन का मात्रक क्या है तो वो सोचने लगते हैं और जनरली वहाँ पर मीटर या सेंटीमीटर लिख कर आ जाते हैं, पर मैग्निफिकेशन केवल तुलना है। और ये आप देखेंगे भी कि दोनों राशियाँ यहाँ पर एक ही मात्रक में नापी जाएंगी, तो आप चाहे ऊपर मीटर लिखोगे नीचे मीटर लिखोगे या आकर कैंसिल ही हो जाएगा, और फाइनली M का कोई भी मात्रक नहीं होता। अब आगे हम पावर ऑफ लेंस के बारे में जानते हैं। बच्चों, हम जनरली किसी को स्पेक्ट्स लगाते हुए देखते हैं, किसी की आंखों में चश्मा लगा है, तो हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं आपके चश्मे का पावर क्या है। तो ये पावर शब्द का क्या मतलब होता है? पावर यानी कि लेंस की क्षमता। यदि हम लेंस के बारे में बात करते हैं, उस पर कोई किरणें आपतित होती हैं तो लेंस उन किरणों को मोड़ने का प्रयास करता है। उत्तल लेंस की स्थिति में यदि किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं तो वो अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर आपस में मिलेंगी, अक्ष पर ही मिलती हैं, और उस बिंदु को हम फोकस का नाम देते हैं। तो यहाँ पर अपवर्तन के पश्चात किरणें दूसरी ओर अक्ष पर मिल रही हैं, लेकिन वहीं पर हम अवतल लेंस को देखें तो जो किरणें इस मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं अपवर्तन के पश्चात ये अक्ष से दूर मुड़ जाती हैं। पर दोनों ही लेंस में हम देखें तो अपवर्तन के पश्चात किरणें मुड़ रही हैं, और मुड़ने की घटना को ही तो हम अपवर्तन का नाम देते हैं। अब ये लेंस किरणों को कितना मोड़ पाता है वही इस लेंस की क्षमता होती है। मान लीजिए हमने एक लेंस लिया है जिसकी फोकस दूरी अधिक है, एक उत्तल लेंस हम ले रहे हैं, तो जब अपवर्तन होगा तो ये किरणें मुड़ने के पश्चात अपवर्तन के पश्चात इस फोकस पर मिलेंगे। लेकिन हम एक ऐसा लेंस ले रहे हैं जिसकी फोकस दूरी कम है, आप देखोगे कि ये किरणें अपवर्तन के पश्चात इस फोकस पर मिल रही हैं। अब इन दोनों को कंपेयर करिए, दोनों में से किस लेंस में किरणें ज़्यादा मुड़ी हैं। हम देख रहे हैं जिसकी फोकस दूरी अधिक थी उसमें किरणें कम मुड़ी हैं या अक्ष की ओर कम झुकी है, और जिसमें फोकस दूरी कम थी हम देख रहे हैं वो अक्ष की तरफ बहुत ज़्यादा मुड़ी है, उनका झुकाव ज़्यादा है। इसका मतलब फोकस दूरी अधिक होगी तो उसके मोड़ने की क्षमता कम होगी, और फोकस दूरी कम होगी तो किरणों को मोड़ने की क्षमता लेंस की अधिक होगी। तो इस प्रकार यदि हम लेंस की क्षमता की बात करें यानी पावर ऑफ लेंस की बात करें तो ये डिपेंड कर रहा है लेंस की फोकस दूरी पर। और किस प्रकार निर्भर कर रहा है? व्युत्क्रम अनुपाती, अधिक फोकस दूरी कम मोड़ना यानी कि क्षमता कम होना, कम फोकस दूरी यानी कि अधिक मोड़ना यानी कि लेंस की क्षमता का अधिक होना। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं पावर ऑफ लेंस यानी कि लेंस की क्षमता बराबर होती है 1/f के, या यू कहें व्युत्क्रम अनुपाती होती है फोकस दूरी के। यहाँ पर फोकस दूरी को हम यदि मीटर में नापते हैं तो लेंस की क्षमता
का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में भी एक नंबर का आता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक डैश होता है या फिर क्या होता है, तो वहाँ पर आपको आंसर लिखना है डायोप्टर, और इसे अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर डी से दर्शाया जाता है। पर हम जनरली देखते हैं हमारे पास जो लेंस रहते हैं साइंस लैब में, हमारे लेबोरेटरी में, उनकी जो फोकस दूरी होती है वो सेंटीमीटर में दी रहती है, 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, यानी कि हम छोटे लेंसों का इस्तेमाल करते हैं। तो यदि ये फोकस दूरी सेंटीमीटर में हुई तो हम पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला लिखते हैं P बराबर 100 अपॉन F, जहाँ F सेंटीमीटर में होगा। तो जब आंकिक प्रश्न आएगा तो आप ध्यान से देखिएगा कि वहाँ पर जो फोकस दूरी है वो मीटर में दी गई है या फिर वो सेंटीमीटर में है। तो आप इस प्रकार दोनों सूत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो फोकस दूरी होती है वो उत्तल लेंस के लिए धनात्मक ली जाती है यदि हम चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम उत्तल लेंस की पावर की बात करें तो वह भी धनात्मक ही होगा, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और इसी आधार पर अवतल लेंस की क्षमता यानी कि पावर भी ऋणात्मक होगी। मान लीजिए आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है और उसमें बताया जा रहा है कि आपके पास एक लेंस है जिसकी पावर 4D है, यानी कि 4 डायोप्टर है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको ये मान जो दिया है क्षमता का वो धनात्मक है, तो धनात्मक मान से हमको ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि यहाँ पर उत्तल लेंस होगा, क्योंकि धनात्मक अगर चिन्ह इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसकी फोकस दूरी भी धनात्मक होगी और उत्तल लेंस की ही फोकस दूरी धनात्मक होती है। मीन्स यहाँ पर एक उत्तल लेंस है, अब इसकी फोकस दूरी देखना है। तो सूत्र अनुसार होता है पी बराबर 1/F, तो हम लिखेंगे 4 बराबर 1/F या F बराबर 1/4, और जब हल करेंगे इसे तो ये मिलेगा 0.25 मीटर। ये जो फॉर्मूला है इसके आधार पर फोकस दूरी का मान मीटर में आएगा, लेकिन यदि हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो फोकस दूरी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम लेंस की क्षमता से जुड़े हुए आंकिक प्रश्नों को हल कर सकते हैं, और एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को भी मिलते हैं। तो जो हमने लेंस का सूत्र लिखा या फिर इसके आवर्धन के लिए सूत्र लिखा, इस पर आधारित भी आंकिक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, या फिर जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करते हैं आगे चलकर तो उसमें भी ऐसी बेसिक फॉर्मूले से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। तो चलिए इन सूत्रों पर आधारित आंकिक प्रश्न बनाते हैं। उदाहरण 2, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक 2 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। लेंस का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। उदाहरण 2, हल। प्रश्नानुसार हमें यहाँ पर एक उत्तल लेंस दिया गया है। इस उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र O है। लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु AB है जिसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, और साथ ही हमें लेंस की फोकस दूरी दी गई है जो कि 10 सेंटीमीटर है। वस्तु से आपतित किरण जो है उसका, यह एक आपतित किरण यह दिख रही है जो अपवर्तित होकर हमें यहाँ प्राप्त हो रही है, साथ ही एक जो दूसरी आपतित किरण हमें दिखाई दे रही है वो प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रही है, और अपवर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं जहाँ हमें B'A' प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। उदाहरण 2, हल। प्रश्नानुसार हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक उत्तल लेंस हमारे पास है जिसका प्रकाशिक केंद्र O है। उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु AB है जिसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। वस्तु से यह हमें एक आपतित किरण दिखाई दे रही है जो कि अपवर्तित हो रही है यहाँ पर, और उसी प्रकार दूसरी आपतित किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रही है। इनके अपवर्तन के पश्चात ये दोनों अपवर्तित किरणें
ए डैश बिंदु पर मिलती हैं और इसीलिए हमें यहाँ पर बी डैश ए डैश प्रतिबिंब वस्तु का प्राप्त हो रहा है। हमें वस्तु की स्थिति, प्रकृति, आकार और आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम वस्तु की जो दूरी है उसे लिख लें। प्रश्न में दिया गया है वस्तु की दूरी जो है वो 15 सेंटीमीटर है, पर उत्तल लेंस में है इसलिए हम इसे लिखेंगे ऋण 15 सेंटीमीटर कार्तीय निर्देशांक पद्धति के अनुसार, क्योंकि यह मूल बिंदु से हमें किस ओर दिखाई दे रहा है, बाईं ओर, मूल बिंदु के बाईं ओर है, तो उसे हम कैसे लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी प्रश्न में है 10 सेंटीमीटर उत्तल लेंस के लिए है, तो ये होगी धनात्मक। अब हमें ज्ञात करना है V, तो हम उपयोग करेंगे लेंस के लिए जो फोकस दूरी का सूत्र है उसका उपयोग करेंगे। लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र वो हमारे पास होगा 1/F बराबर 1/V ऋण 1/U। F और U का हमारे पास किसका मान है, F और U का, हम उसका मान रख देते हैं F तथा U का मान रखने पर। F का मान 1/F यानी कि 10, 1/V ऋण 1/U की जगह हमें रखना होगा ऋण 15। चलिए इसे आगे हल करते हैं, पक्षांतर कर लें हम, या फिर 1/10 बराबर, पहले इसे हल कर लेते हैं, यह भी ऋणात्मक है, यहाँ भी ऋण का चिन्ह है, तो हमें मिलेगा धन 1/15। हमें V का मान प्राप्त करना है तो पक्षांतर कर लेते हैं। पक्षांतर करने पर हमें मिलेगा 1/V बराबर 1/10 ऋण 1/15। इसे हल करने के लिए लघुत्तम समापवर्तक का साथ की सहायता से हमें क्या मिल जाएगा, 30, और फिर हल करेंगे तो हमें मिलेगा 3 ऋण 2, 1/V बराबर 1/30। चलिए आगे हल करते हैं। हमें समीकरण प्राप्त हुआ था 1/V बराबर 1/30 यानी कि V बराबर 30 सेंटीमीटर। तो अब हम कह सकते हैं कि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, और V का मान, V का जो धनात्मक मान हमें मिल रहा है वह क्या बता रहा है कि प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक और साथ ही साथ उल्टा होगा। V का धनात्मक मान वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब को दर्शाता है। अब हमें वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति, उसके आकार को भी ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें लेंस के आवर्धन, रेखीय आवर्धन को ज्ञात करना होगा। लेंस का रेखीय आवर्धन, उसका सूत्र क्या है हमारे पास, रेखीय आवर्धन M बराबर होगा H-H यानी कि वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। पुनः लेंस का रेखीय आवर्धन M बराबर H-H और हम यह भी जानते हैं कि यह मान किसके बराबर होता है, V/U के, जो रेखीय आवर्धन है उसका मान V/U भी होता है और H-H भी। चलिए इसका मान हम रखते हैं कि H-H और V/U में हम U, V तथा H का मान रख लेते हैं। इसमें जब हम इसका मान रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, H-H
बटे एच यानी कि जो वस्तु की लंबाई हमको दी गई थी वो कितनी है 2 बराबर वी अभी हमने ज्ञात किया यह है 30 सेंटीमीटर और यू का मान हमारे पास है -15। आगे हल करते हैं, हमें जो समीकरण प्राप्त हुआ था वह है एच डैश बटे 2 बराबर 30 बटे -15। यहाँ से हम एच डैश का मान प्राप्त कर सकते हैं, एच डैश बराबर हो जाएगा 30 × 2 बटे -15 और हमें मिलेगा एच डैश बराबर -4। चलिए आगे हम रेखीय आवर्धन m का मान प्राप्त करते हैं v बटे u की सहायता से। पुनः हम जानते हैं कि लेंस का रेखीय आवर्धन m बराबर v बटे u भी होता है, तो m बराबर v का मान हमारे पास है 30 और u का मान है -15, इसलिए m हमें कितना मिलेगा -2। अब हम देख सकते हैं कि h डैश का मान m बराबर -2। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास एच डैश का मान जो आ रहा है वो भी ऋणात्मक है और m का मान जो आ रहा है वह भी ऋणात्मक है, तो यहाँ m तथा एच डैश के मान का ऋणात्मक चिन्ह उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब को दर्शाता है। अतः एक वास्तविक उल्टा तथा इसकी लंबाई कितनी होगी प्रतिबिंब की, हमें कितना मिला है एच डैश 4 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई जो हो गई वह हो गई 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब लेंस से हमें v का मान कितना प्राप्त हुआ था 30, यानी कि वह लेंस से कितनी दूरी पर है 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। साथ ही प्रश्न में लेंस का आवर्धन भी ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो हमने देखा कि वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और उसके प्रतिबिंब की ऊंचाई हमें प्राप्त हुई है 4 सेंटीमीटर, तो यह प्रतिबिंब वस्तु से कितना आवर्धित हुआ 2 गुना ज्यादा आवर्धित है। इस प्रकार प्रश्न हल हुआ। यहां m तथा h डैश के मान का ऋणात्मक चिन्ह उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब को दर्शाता है, अतः एक वास्तविक उल्टा तथा 4 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुना ज्यादा आवर्धित है। आपने घड़ी साज को देखा है जो छोटे छोटे पुर्जों को रिपेयर करते हैं, वो अपने हाथ में एक लेंस का उपयोग करते हैं और उसको अपनी आंखों के पास रखते हैं जिसकी सहायता से वो छोटे छोटे पुर्जों को देख सके। वहाँ पर वो इस्तेमाल करते हैं उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस जिसे हम रीडिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। उत्तल लेंस में जब वस्तु को उसके फोकस और उसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाता है
उस समय उसके आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है, यानी कि सीधा प्रतिबिंब बनता है, वो भी वस्तु की तुलना में बड़ा। तो इसी लेंस का इस्तेमाल करके घड़ी साज वो छोटे छोटे पुर्जों को बड़ा करके देख पाते हैं और सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसका मतलब वो छोटे छोटे पुर्जों को स्पष्ट देख पाते हैं। आपने कोई जासूसी सीरियल देखी होगी, उसमें कहीं चोरी हो जाती है, कोई क्राइम सीन रहता है, उसमें डिटेक्टिव आते हैं, उसके हाथ में भी वही रीडिंग लेंस रहती है। आपने देखा होगा कि वो बड़ी आसानी से रीडिंग लेंस की सहायता से सुराग खोजने की कोशिश करते हैं। कभी वो रीडिंग लेंस को वस्तु के पास ले जाते हैं, कभी दूर ले जाते हैं। एक्चुअली जब वो पास या दूर ले जाते हैं, उस समय वो प्रतिबिंब का आकार और उसकी प्रकृति को सेट कर रहे होते हैं। जब रीडिंग लेंस से बहुत दूर कोई सुराग होगा तो उसका प्रतिबिंब उल्टा दिखेगा, क्योंकि उत्तल लेंस उल्टा प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु उससे दूर हो। लेकिन जैसे उसको पास लाया जाता है वस्तु के, तो उसका प्रतिबिंब सीधा हो जाता है और आभासी बनता है और वस्तु की तुलना में बड़ा होता है। तो इस प्रकार वो रीडिंग लेंस को एडजस्ट करके सुराग को जानने का प्रयास करते हैं। बच्चों, इस रीडिंग लेंस का इस्तेमाल, यानी कि उत्तल लेंस का इस्तेमाल, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कभी कभी न्यूज़पेपर पढ़ने में भी करते हैं। न्यूज़पेपर के अक्षर छोटे छोटे होते हैं, तो इस रीडिंग लेंस की सहायता से अक्षरों को मैग्नीफाई करके वो पढ़ने का प्रयास करते हैं। और साथ ही बच्चों, इन लेंसों का इस्तेमाल, चाहे उत्तल हो या अवतल, कई प्रकाशिक यंत्र ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में भी किया जाता है, जैसे कि कैमरा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप और कैमरे में तो उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है, लेकिन टेलीस्कोप में अवतल लेंस का भी इस्तेमाल होता है। और बच्चों, हमारी ह्यूमन बॉडी में भी एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसे हम आँख कहते हैं। इसी की सहायता से तो हम ये खूबसूरत दुनिया देख पा रहे हैं। और यदि आप अपनी आँखों को बंद करके उसे छुए, तो आपकी आँखें उभरी हुई लगती हैं। उभरी हुई लगती हैं क्योंकि इसमें लगा हुआ है उत्तल लेंस। ये नेचुरल उत्तल लेंस है और ये फ्लेक्सिबल उत्तल लेंस है, जो कि आपके आई मसल्स के द्वारा एडजस्ट किया जाता है। इसकी फोकस दूरी कम या ज़्यादा हो जाती है। आपने देखा होगा बच्चों कि जब आप धूप में रहते हैं और धूप से अगर आप अंधेरे कमरे में आते हैं, तो थोड़ी देर के लिए आपको कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश नहीं होता। उसके बाद धीरे से आपको सब दिखाई देने लगता है, क्योंकि आप जब धूप में जाते हैं तो इतनी रोशनी की आपको आवश्यकता नहीं होती। इसलिए आपके आई मसल्स के द्वारा आपके लेंस जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण अधिक प्रकाश आपकी आंखों में एंटर नहीं कर पाता, क्योंकि रेटिना के लिए अधिक प्रकाश हार्मफुल होता है, इसलिए आपके आई लेंस कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब आप अंधेरे में आते हैं, आपको ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसलिए आई लेंस फैल जाते हैं और इसके कारण ज़्यादा प्रकाश आपकी आँखों से अंदर घुस पाता है। इसलिए थोड़ी देर बाद आप अंधेरे में एडजस्ट कर लेते हैं और आपको दिखाई देने लगता है। और आपकी आँखों में ये जो उत्तल लेंस लगा है, इसी के कारण ही दूर से आने वाली सारी किरणें एक बिंदु पर कन्वर्ज होती है और वो बिंदु आपकी आँखों के रेटिना में होता है। इसलिए उस वस्तु का इमेज आपकी रेटिना में बनता है और वस्तु आपको दिखाई देती है। लेकिन यदि आप सोच रहे होंगे कि उत्तल लेंस आपकी आँखों में लगा है, तो उत्तल लेंस में दूर से आने वाली वस्तु की किरणें जब कन्वर्ज होती हैं, तो वहाँ पर प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, यानी कि उल्टा प्रतिबिंब। तो आपकी रेटिना में बनने वाला प्रतिबिंब भी वास्तविक और उल्टा होना चाहिए। तो फिर सारी वस्तुएं आपको सीधी कैसे नज़र आती हैं? सभी वस्तुएं आपको तो उल्टी नज़र आनी चाहिए। एक्चुअली बच्चों, रेटिना में जो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु का, वो उल्टा ही बनता है। लेकिन हमारी आँखों में ऑप्टिकल नर्व्स होते हैं और ये ऑप्टिकल नर्व्स ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं और ये ऑप्टिकल नर्व ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देते हैं। और ब्रेन तक जब ये इन्फॉर्मेशन पहुंचता है, तो ब्रेन के कारण ही वो इमेज उल्टा की जगह हमको सीधा नजर आता है। और इस प्रकार आपके आंखों में लगे उत्तल लेंस की सहायता से आप ये खूबसूरत दुनिया देख पाते हैं। पर कभी इन्हीं आंखों में खराबी आ जाए, इनमें कोई दोष उत्पन्न हो जाए, कभी आपको दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती, कभी पास की चीज़ें दिखाई नहीं देती, और ओल्ड एज में तो ऐसा होता है कि दूर की और पास की दोनों ही चीज़ें दिखाई नहीं देती, उस समय हम इन आर्टिफिशियल लेंस की सहायता से अपने इस आँख के दोष को करेक्ट करते हैं। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। आपकी क्लास में आपके किसी दोस्त को उसकी कॉपी का लिखा हुआ या फिर बुक का लिखा हुआ नज़र नहीं आता होगा,
यानी कि वो पास का लिखा हुआ नहीं पढ़ पा रहा होगा। ऐसे बच्चे के जो दृष्टि में दोष है उसे हम दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं, जिसको पास का नज़र नहीं आता। अंग्रेजी में इसे हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं। और ऐसा बच्चा जब डॉक्टर के पास आई टेस्ट के लिए जाएगा तो डॉक्टर उसे उत्तल लेंस देंगे। और जब वह बच्चा नया चश्मा बना के आएगा और आप उससे पूछेंगे तुम्हारे चश्मे का नंबर क्या है या पावर क्या है, तो वो एक मान बताएगा जो कि धनात्मक वैल्यू होगी, जैसे कि +2.5। तो प्लस इसलिए लिखा जाता है क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। पर आप ही की क्लास में यदि ऐसा बच्चा हो जिसको बोर्ड पे लिखा हुआ ना दिखाई दे, टीचर क्या लिख रही है बोर्ड पर उसे नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि उसको दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस प्रकार उसकी आंखों में जो दोष है उसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष, जिसमें कि दूर का दिखाई नहीं देता, और इंग्लिश में इसे हम कहते हैं मायोपिया। और जब ऐसा बच्चा आई टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर उसे अवतल लेंस देंगे, और जब वो अपना चश्मा बना के आएगा तो वो चश्मे का नंबर माइनस में बताएगा, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इस प्रकार अपने साथी के चश्मे का धनात्मक या ऋणात्मक नंबर सुन के ही आप पता लगा सकते हैं कि उसे पास का दिखाई नहीं देता या फिर दूर का दिखाई नहीं देता। कभी तो ऐसा भी होता है कि ना तो हमको दूर का ठीक से दिखाई देता है और ना ही पास का ठीक से दिखाई देता है। और ऐसे व्यक्ति के चश्मे में दोनों प्रकार के लेंस लगे होते हैं। जब हम दूर का देखते हैं तो अपनी आंखों को ऊपर रखते हैं, इसलिए ऊपर के हिस्से में अवतल लेंस लगा होता है। जब हम पास का देखने की कोशिश करते हैं यानी कि पढ़ने के लिए, हम अपनी आंखों को नीचे की ओर रखते हैं, इसलिए इनके चश्मे में नीचे की ओर उत्तल लेंस लगा होता है। और इस प्रकार इनके चश्मे में दोनों ही प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अभी हमने लेंस के उपयोगिता के बारे में जाना। हमने देखा कि अलग अलग लेंस अलग अलग परिस्थिति में इस्तेमाल किए जाते हैं। और जब हम लेंस की उपयोगिता की चर्चा कर रहे थे तो मैंने कहा था कि ये लेंस प्रकाशिक यंत्रों में इस्तेमाल होते हैं। प्रकाशिक यंत्र यानी कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसे ही कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मेरे पास यहाँ पर रखे गए हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो प्रकाश की सहायता से ही काम करते हैं, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में ही काम करते हैं। और इनमें लगा होता है लेंस, और ये लेंस इन प्रकाश को अलग अलग डायरेक्शन में मोड़ते हैं, जिसके कारण इनमें प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो चलिए सबसे पहले हम ऐसे प्रकाशिक यंत्र के बारे में चर्चा करते हैं जिसे आप यूज़ करना पसंद करते हैं, जैसे कि ये कैमरा। इस कैमरे को आपने यूज़ किया होगा। इस कैमरे का इस्तेमाल कहाँ होता है? हम इस कैमरे का इस्तेमाल फ़ोटो खींचने के लिए या फिर वीडियो बनाने के लिए करते हैं। जब इस कैमरे का इस्तेमाल फ़ोटो खींचने के लिए करते हैं, आप देखे होंगे कि इसमें एक बटन रहता है जिसकी सहायता से हम क्लिक करते हैं और फ़ोटो खिंचाती है। आपने पहले देखा है बच्चों कि इस कैमरे में हम एक रोल डालते थे और इस रोल को हम नेगेटिव कहते थे, और जब इस रोल से हम प्रिंट करते थे यानी जब इसको धोते थे तब हमको पॉजिटिव हार्ड कॉपी कैमरे से प्राप्त होती थी, जिसको हम बड़े संभाल के रखते हैं, आज भी देखते हैं हम। लेकिन आज के जो कैमरे हैं उसमें ऐसा रोल नहीं होता, पर फोटोग्राफिक फिल्म अभी भी होती है। मतलब यहाँ पर भी एक कार्ड होता है या कैसेट होता है जिसमें कि इमेज कैप्चर होती है। ये कैमरा एक्चुअली लाइट को कैप्चर करने का काम करता है, और इस कैमरे में जो लाइट एंटर होती है तो इसमें लगे लेंस के थ्रू एंटर होती है। अब ये बताइए कि इसमें जो सामने लेंस लगा है वो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस या अवतल लेंस? हमने जाना बच्चों कि अवतल लेंस में यदि कोई किरणें आपतित होती हैं तो वो फैल जाती है अंदर जाकर, यानी अंदर जाकर वो फोटोग्राफिक प्लेट पर यदि पड़ेंगे भी तो वहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा। तो इस टाइप के कैमरे में लगा होता है उत्तल लेंस, और इनसे जब गुजर के किरणें अंदर जाती हैं तो ये किसी बिंदु पर मिलती है और वहाँ पर इमेज का निर्माण होता है, यानी कि इस लेंस के फोकस पर ही फोटोग्राफिक प्लेट होना चाहिए जहाँ पर सारी किरणें कन्वर्ज हो जाएं और उसके प्रतिबिंब का निर्माण हो। लेकिन लेंस की दूरी फोटोग्राफिक प्लेट से एडजस्ट की जाती है। आपने देखा होगा बच्चों कि इस प्रकार का जो कैमरा होता है जिसको जनरली स्टूडियो में रखा जाता है, इससे हम फोटो भी खींचते हैं वीडियो भी बनाते हैं। आपने देखा होगा कि फोटोग्राफर्स इसमें कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये कुछ रिंग्स हैं जो घूम पा रहे हैं,
और इस प्रकार ये रिंग जो है अलग अलग काम करते हैं। पहले वाली रिंग जो है वो फोकसिंग रिंग है, यानी कि ये लेंस के फोकस को एडजस्ट करती है। ये जो दूसरी वाली रिंग है और ये जो है जूम इन जूम आउट करने वाली रिंग है। इससे यदि हम घुमाते हैं तो हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, यानी कि हम लेंस को आगे और पीछे की ओर खसका सकते हैं। और यहाँ पर होता है अपर्चर रिंग, ये देख रहे हैं बच्चों, इसको हम घुमा रहे हैं और इसकी सहायता से हम अपर्चर सेट कर सकते हैं। अपर्चर एक्चुअली अमाउंट ऑफ लाइट को एडजस्ट करता है। कभी हमको ज़्यादा लाइट की आवश्यकता होती है और कभी कम लाइट की आवश्यकता होती है। कभी हम कम लाइट में फोटोग्राफी करते हैं और ऐसे में फोटो धुंधला आ जाता है, ये काला आ जाता है, या फिर कभी हम बहुत ज़्यादा लाइट में फोटोग्राफी करते हैं, उस समय भी अधिक लाइट होने के कारण फोटोग्राफिक फिल्म एक्सपोज हो जाती है और पूरी खराब हो जाती है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए ही इस अपर्चर रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और इस कैमरे में होता है शटर, शटर कंट्रोल करता है कि कितने टाइम के लिए लाइट को कैमरे के अंदर ले जाना है। आपने देखा होगा बच्चों कि कभी शटर में लिखा रहता है 25 फ्रेम पर सेकंड, इसका मतलब ये अपर्चर एक सेकंड में 25 बार वाइब्रेट होता है, यानी कि 25 बार हिलता है और उसके कारण लाइट इस कैमरे में एंटर होती है। मैंने यहाँ पर दो अलग अलग पार्ट्स बताए, एक बोला अपर्चर रिंग। अपर्चर रिंग एक्चुअली कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश की मात्रा, जबकि शटर कंट्रोल करता है टाइम ऑफ लाइट, कितने टाइम के लिए लाइट इस कैमरे के अंदर प्रवेश कर रही है। और इस प्रकार यहाँ पर देखें तो अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग काम हैं। और ये जो मैंने आपको कैमरा बताया, ये तो बहुत ही बड़ा और स्टूडियो में यूज़ करने वाला था। यदि हम सिंपल तौर पे किसी कैमरे का कंस्ट्रक्शन देखें तो वो कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार होता है। किसी वस्तु का स्थायी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए फोटोग्राफिक कैमरे का उपयोग किया जाता है। कैमरा धातु या प्लास्टिक का बना होता है, जिसका आंतरिक भाग काला रंग का होता है। यह प्रकाशरोधी होता है। इस बॉक्स के आगे के भाग में उत्तल लेंस यानी कि अभिसारी लेंस लगा होता है, जिसका फोकस समांजित किया जा सकता है। इस लेंस की फोकस दूरी कम होती है। इस लेंस को अभिदृश्यक लेंस भी कहते हैं। इस उत्तल लेंस के जस्ट अपोजिट लगा होता है फोटोग्राफिक फिल्म, जिसे इस दो स्पूल के जरिए रोटेट किया जा सकता है। लेंस के पीछे एक गोल पर्दा होता है, जिसके बीच में एक छिद्र होता है, इसे डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम को कंट्रोल करने के लिए डायफ्राम एडजस्टिंग रिंग होती है। इसके द्वारा कैमरे के अंदर आने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है और फोटोग्राफिक फिल्म पर प्रतिबिंब बन जाता है। फोकसिंग रिंग के जरिए लेंस के फोकस को चेंज किया जा सकता है। साथ ही कैमरे में होता है शटर। शटर के द्वारा आवश्यकता अनुसार एक निश्चित समय के लिए प्रकाश फोटोग्राफिक फिल्म पर डाली जाती है। हम देखते हैं कि इस कैमरे के द्वारा इस फोटोग्राफिक फिल्म में फोटो का निर्माण किस प्रकार होता है। जिस वस्तु का फोटो खींचना होता है उसे लेंस के सामने लेंस की फोकस दूरी से दुगनी दूरी से अधिक दूरी पर रखा जाता है। इस स्थिति में फिल्म में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा, उल्टा और वास्तविक बनता है। इस प्रकार कैमरे से प्राप्त किसी वस्तु के प्रतिबिंब की सॉफ्ट कॉपी प्राप्त कर ली जाती है और इस सॉफ्ट कॉपी को धुलवा कर हार्ड कॉपी में कन्वर्ट किया जाता है। अब अगला प्रकाशिकी यंत्र हम लेते हैं, ये रीडिंग लेंस। ये रीडिंग लेंस एक्चुअली एक उत्तल लेंस ही है, जिसको हमने एक फ्रेम पे एक हत्ता लगा दिया है ताकि इसके द्वारा पढ़ने में आसानी हो। इस रीडिंग लेंस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं ये भी हमने देखा। इस रीडिंग लेंस को हम सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। एक्चुअली जब रीडिंग लेंस को हम किसी वस्तु के सामने रखते हैं और इसे एडजस्ट करते हैं तो वस्तु का आकार बड़ा हो जाता है। और माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी, वो एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम छोटी वस्तु को मैग्नीफाई करके यानी कि उसके आकार को बड़ा करके देख सकते हैं। मतलब इस उपकरण की सहायता से हम वस्तु से बनने वाले प्रतिबिंब को बड़ा कर सकते हैं। और ये एक ही उत्तल लेंस से बना हुआ है, इसीलिए हम इसे सिंपल माइक्रोस्कोप के नाम से भी जानते हैं। यह सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है? एक्चुअली सरल सूक्ष्मदर्शी एक उत्तल लेंस ही तो है, और जब उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र और लेंस की फोकस के मध्य वस्तु को रखा जाता है तब वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, बड़ा और आभासी होता है, यानी कि वस्तु का आवर्धन हो जाता है और हमें वस्तु का एक बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। इस सरल सूक्ष्मदर्शी में एक ही लेंस होता है और इसीलिए इसका आवर्धन अधिक नहीं होता।
मतलब इसमें किसी भी वस्तु के इमेज को एक लिमिट तक ही मैग्नीफाई किया जा सकता है। बहुत अधिक मैग्नीफाई करने के लिए हमको लेंसों के संयोजन की आवश्यकता पड़ती है, मतलब एक से अधिक लेंस लगाने की आवश्यकता पड़ती है। और जब एक से अधिक लेंस लगाते हैं तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो जाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस होते हैं और दोनों ही उत्तल लेंस होते हैं। बच्चों, ये जो हमारे पास एक माइक्रोस्कोप दिख रहा है, जिसको आपने अपने स्कूल के लैब में भी देखा होगा, क्योंकि टेंथ में प्रैक्टिकल करते हैं जब हम बायोलॉजी का, तो इस सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसे हम कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। और मैंने अभी बताया आपको इस सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस होते हैं। अब ये दो उत्तल लेंस कहाँ कहाँ पर होंगे? जहाँ पर आप अपनी आँखें रखते हैं, मतलब इस जगह पर, यहाँ पर एक उत्तल लेंस होता है और दूसरा उत्तल लेंस यहाँ पर होता है। ये जो लेंस लगे, इसके सामने में छोटे छोटे लेंस लगे हैं, तो यहाँ पर दो उत्तल लेंस होते हैं और इन्हीं के संयोजन से हम इस माइक्रोस्कोप में प्रतिबिंब को देख सकते हैं। वस्तु को हम यहाँ पर रखते हैं, इस स्लाइड बनाते हैं, उसको हम यहाँ पर रखते हैं, इस क्लिप की सहायता से फंसाते हैं, और ये जो नीचे मिरर है उससे तो हम केवल लाइट फोकसिंग का काम करते हैं, मतलब जिस वस्तु को हमको देखना है उस पर लाइट को या प्रकाश को डालते हैं। मेन काम इन दोनों लेंस का होता है। अब जिसके सामने हम वस्तु को रखते हैं उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा गया है, इसे हम अभिदृश्यक लेंस के नाम से जानते हैं। जिसके सामने हम अपनी आँखों को रख के ऐसे देखने की कोशिश करते हैं उसे हम कहते हैं नेत्रिका लेंस, यानी कि आईपीएस लेंस। तो इस प्रकार इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस होते हैं। अब इन दोनों की सहायता से ही किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण होता है। एक लेंस से जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वो आवर्धित होगा, क्योंकि ये उत्तल लेंस है, और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बड़ा बनेगा, उसको इस प्रकार हम एडजस्ट करेंगे। फिर जब दूसरे लेंस की सहायता से उसको देखा जाएगा तो वो प्रतिबिंब और भी बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर दो बार आवर्धन होता है, तो डबल मैग्निफिकेशन के कारण जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो और बड़ा दिखने लगता है, तो हम इसमें और छोटी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, अलग अलग पावर दिया गया है, मतलब जो लेंस दी गई है वो अलग अलग फोकस दूरी की है, और इसी के कारण मैग्नीफिकेशन भी अलग अलग होगा। यदि हम यहाँ पर ये वाला लेंस रखते हैं तो इसमें अलग होगा मैग्नीफिकेशन, दूसरा यूज़ कर दें तो अलग होगा। तो जब हम अलग अलग सूक्ष्म वस्तुओं को रखते जाते हैं तो उसे अच्छी तरह से देखने के लिए, मैग्नीफाई करने के लिए हम अलग अलग अभिदृश्यक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, आइए बच्चों इसको हम एक रेखा चित्र द्वारा देखें, जहाँ पर हमने दो लेंस लिया है और उसके सामने एक वस्तु रखी है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी, जिसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं, इसमें खोखली नली के एक सिरे में उत्तल लेंस L1 लगा रहता है, जो कि वस्तु की ओर रहता है, इसे हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। दूसरे सिरे पर एक और खोखली नली लगी होती है, जो अभिदृश्यक वाली नली में चक्री द्वारा आगे पीछे सरकाई जा सकती है। इस नली में नेत्रिका लेंस L2 लगा होता है। चक्री द्वारा नली को आगे पीछे सरकाकर अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी को बदला जा सकता है। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी तथा द्वारक कम होते हैं, जबकि नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी और द्वारक अभिदृश्यक लेंस की तुलना में अधिक होते हैं। हमने यहाँ पर देखा भी बच्चों कि जो लेंस वस्तु के सामने है वो छोटा है, बल्कि जो लेंस हमारी आंखों के सामने है वो बड़ा होता है। यहाँ पर दो लेंस है, इसलिए एक बार आवर्धन पहले वाले लेंस से होता है, फिर आवर्धन दूसरे वाले लेंस से होता है, जिसके कारण प्रतिबिंब का आकार और भी बढ़ जाता है। मान लीजिए यहाँ पर वस्तु AB है, इससे आने वाली किरणें अभिदृश्यक लेंस से होते हुए गुजरेंगी। हमने एक सीधी किरण ली है जो अभिदृश्यक लेंस से होते हुए गुजर रही है, यह अपवर्तन के पश्चात अभिदृश्यक लेंस के फोकस से होकर गुजरेगी। हमने एक दूसरी किरण ली है जो कि इसके प्रकाश केंद्र से गुजर रही है, ये सीधे सीधे आगे निकल जाएगी, और जहां पर ये दोनों किरणें आपस में मिल रहे हैं वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा, जिसे हम A' B' से दर्शा रहे हैं, और ये प्रतिबिंब
वास्तविक होगा और उल्टा होगा। प्रतिबिंब A'B' अब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की तरह कार्य करेगा। अब यहाँ से निकलने वाली किरणें नेत्रिका लेंस से होकर गुजरेंगी और यहाँ पर इस प्रतिबिंब का फिर से एक बार आवर्धन हो जाएगा, यानी कि अब हमको इस नेत्रिका लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो फाइनल प्रतिबिंब होगा। इस A'B' से आने वाली किरणों को हम देखते हैं। हमने एक किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर ली है, यह अपवर्तन के पश्चात इस लेंस के फोकस से गुजर जाएगी। दूसरी एक किरण ली है जो इस लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर गुजर रही है। ये दो किरणें अपवर्तन के पश्चात कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी, क्योंकि इनके बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है और इसीलिए इन दोनों किरणों को हम पीछे लेकर देखें। ये दो किरणें पीछे जहां पर मिल रही हैं, वहीं पर A'B' के प्रतिबिंब का निर्माण होगा। चूंकि A'B' अब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की तरह कार्य कर रहा है और इसका फाइनल प्रतिबिंब हमको A'' और B'' पर प्राप्त होगा और ये प्रतिबिंब इस वस्तु की तुलना में सीधा होगा, क्योंकि इस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है और यह आभासी प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में कई ज्यादा बड़ा होगा। इसलिए हम देख रहे हैं A'B' का आकार A'B' की तुलना में अधिक है, पर एक्चुअली वस्तु तो AB थी जिसका एक बार आवर्धन अभिदृश्यक लेंस से हुआ और दूसरे बार आवर्धन नेत्रिका लेंस से हुआ। अभिदृश्यक लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक था और वस्तु की तुलना में उल्टा था, जबकि हम नेत्रिका लेंस की बात करें तो नेत्रिका लेंस के लिए A'B' वस्तु की तरह कार्य कर रहा था और यहाँ पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब A'B' पर बना और ये प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में सीधा ही है, पर हम इसको एक्चुअल वस्तु यानी AB के कंपैरिजन में देखें तो जो फाइनल प्रतिबिंब हमको प्राप्त हो रहा है ये आवर्धित है, यानी कि बड़ा हो गया है, पर ये वस्तु की तुलना में उल्टा ही है। इसलिए माइक्रोस्कोप से यदि हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वो हमें बड़ा और उल्टा नजर आता है। जब बच्चों आप माइक्रोस्कोप की सहायता से अपने स्कूल के लैब में प्रैक्टिकल्स करेंगे तो आप इस चीज को नोटिस करिएगा कि आपने यदि कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब आपको किस प्रकार नजर आ रहा है। अब हम अगले प्रकाशिक यंत्र के बारे में चर्चा करते हैं। ये एक ऐसा यंत्र है जिसमें दूर रखी वस्तु को हम स्पष्ट देख सकते हैं। अब बताइए ऐसा कौन सा प्रकाशिक यंत्र है जिसमें हम दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं? इसे हम दूरदर्शी यानी कि टेलीस्कोप के नाम से जानते हैं। बच्चों ये टेलीस्कोप भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो टेलीस्कोप वो होता है जिसकी सहायता से हम खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि सूरज चांद तारों इनका अध्ययन करते हैं, और इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यानी खगोलीय दूरदर्शी के नाम से जानते हैं। जो खगोलीय दूरदर्शी है इसमें भी लेंस का इस्तेमाल होता है और इसमें भी बनने वाला प्रतिबिंब आवर्धित हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई वस्तु दूर में रखी होगी वो भले ही कितनी बड़ी क्यों ना हो, पर दूर होने के कारण हमारी आंखों में उसका दर्शन कोण कम हो जाता है, इसीलिए वो वस्तु छोटी नजर आती है। जैसे हम तारों की बात करें तो तारे इतने छोटे से नजर आते हैं आसमान में क्योंकि वो हमसे काफी दूर है, लेकिन जब हम उसको टेलीस्कोप की सहायता से देखते हैं तो वो हमको बड़े नजर आते हैं। तो इसका मतलब कि टेलीस्कोप की सहायता से दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है क्योंकि उनका प्रतिबिंब बड़ा हो जाता है। लेकिन जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है जिससे हम खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं उसमें बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, पर कोई खगोलीय पिंड उल्टा भी हो तो उसका अध्ययन हम कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी खगोलीय पिंड हमारे पास आसमान में मौजूद हैं वो जनरली गोल हैं, स्फेरिकल शेप के हैं, और गोल को हम सीधा देखें उल्टा देखें वो गोल ही नजर आता है। इसलिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में प्रतिबिंब उल्टा बनने के कारण हमको कोई परेशानी नहीं होती, हम उन पिंडों का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन जब हम टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की बात करें, मतलब हम टेलीस्कोप पृथ्वी में वस्तु को देखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई दूर पर रखी गई वस्तु है या फिर कोई लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको हम टेलीस्कोप के माध्यम से पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो हमको उल्टा दिखेगा, और उल्टा दिखेगा तो वो हमें स्पष्ट नजर नहीं आएगा, उसको समझने में हमें कठिनाई होगी। उस कंडीशन में हम जो टेलीस्कोप का निर्माण करते हैं उसमें प्रतिबिंब को सीधा कर दिया जाता है,
और प्रतिबिंब को सीधा करने के लिए वहां पर दो के स्थान पर और एक लेंस लगा दिया जाता है जिसकी सहायता से प्रतिबिंब सीधा हो जाता है। इसलिए टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की जो लंबाई होती है वो और बढ़ जाती है। या फिर हम तीन उत्तल लेंस के स्थान पर एक अवतल लेंस भी ले लेते हैं। एक उत्तल और एक अवतल लेंस यदि हम लेते हैं तो उस कंडीशन में भी प्रतिबिंब को सीधा कर दिया जाता है। तो बच्चों, मैंने जब इसका उपयोग बताया था लेंस का, तो उसमें मैंने कहा था कि टेलीस्कोप में दोनों ही प्रकार के लेंस इस्तेमाल हो सकते हैं। तो हमने ये देखा कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दोनों ही उत्तल लेंस थे। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में उल्टा प्रतिबिंब को फिर से एक बार सीधा करने के लिए हम तीन उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और यदि हम तीन उत्तल लेंस लेते हैं तो पाइप की लंबाई बढ़ जाती है, और उसको कम करने के लिए या तो हम एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस की सहायता से भी टेलीस्कोप में सीधा प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो इस प्रकार लेंसों के इस्तेमाल से इन प्रकाशिक यंत्रों का निर्माण किया जाता है। तो चलो बच्चों, हम देखते हैं कि टेलीस्कोप किस प्रकार काम करता है। इसके लिए हम प्रतिबिंब का निर्माण को रेखा चित्र द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हमने दो लेंस लिया है। हम जानते हैं बच्चों कि जो टेलीस्कोप होता है उसको आप देखे भी होंगे कि वो आई पीस जो लेंस होता है, जो आपकी आंखों के सामने रहता है, वो छोटा रहता है। जबकि जो वस्तु के सामने वाला लेंस रहता है, मतलब जिसके सामने वस्तु रखी जाएगी, ऑब्जेक्टिव लेंस, अभिदृश्यक लेंस, वो बड़ा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि दूर से आने वाली ज़्यादा किरणों को वो गैदर कर सके। और इस प्रकार हम देखते हैं कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में ये दोनों डिफरेंस है। अगर माइक्रोस्कोप की बात करें तो माइक्रोस्कोप में जो सामने का लेंस होता है वो छोटा होता है, जबकि आपकी आंखों के पास वाला लेंस बड़ा होता है। जबकि टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट के सामने वाला लेंस बड़ा होता है और आपकी आंखों के सामने वाला लेंस छोटा होता है। तो बच्चों, हम इस टेलीस्कोप के रेखा चित्र को समझते हैं कि इसमें प्रतिबिंब का निर्माण किस तरह से होता है। यह एक प्रकाशिक यंत्र है जो दूर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख पर बनाता है, जिससे कि वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इसकी सहायता से चंद्रमा, तारे, ग्रह देखे जा सकते हैं, यानी कि ये एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। इसके अतिरिक्त मैंने आपको बताया था, पृथ्वी पर दूर की वस्तुओं को देखने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। किंतु जब हम इसे पृथ्वी पर स्थित दूर की वस्तुओं को देखने का प्रयास करेंगे तो इसका प्रतिबिंब हमें उल्टा नजर आएगा। तो देखते हैं बच्चों कि इसमें प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है। इस यंत्र में दो लेंस लगे हैं, एक LO और एक LE। LO ऑब्जेक्टिव लेंस है, यानी कि अभिदृश्यक लेंस, जिसके सामने वस्तु रखी जाएगी। LE नेत्रिका लेंस है, यानी कि आईपीस लेंस, जिसके सामने आप अपनी आंखों को रखेंगे। दोनों लेंस LO और LE। LO लेंस की फोकस दूरी को हम FO से दर्शा रहे हैं, जबकि LE लेंस की फोकस दूरी को हम FE से दर्शा रहे हैं। मान लीजिए कोई वस्तु दूर पर स्थित है, उसमें से आने वाली किरण इस अभिदृश्यक लेंस के फोकस से होकर गुजर रही है, और एक किरण हमने लिया जो इसके प्रकाश केंद्र से गुजर रही है। ये दोनों किरणें आपस में इस स्थिति पर आकर मिलेंगे और यहीं पर इसके प्रतिबिंब का निर्माण होगा, यानी कि इस वस्तु का प्रतिबिंब P' Q' पर वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब यह प्रतिबिंब जो अभिदृश्यक लेंस से वस्तु का प्राप्त हुआ है, ये नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की तरह कार्य करेगा। इसमें से आने वाली हमने दो किरणें ली हैं। ये दो किरणें मान लीजिए इस लेंस पर आपतित हो रही हैं। मान लीजिए इसमें से एक किरण इस लेंस से टकराकर इस दिशा में आगे बढ़ गई। हमने दूसरी किरण ली है जो इस नेत्रिका लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर गुजर रही है। इन दो किरणों को भी हम देखें तो ये आपस में कभी भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनके बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। पर इन दोनों किरणों को यदि हम पीछे की ओर लेते हैं तो ये जहां मिलती है वहीं पर इस P' Q' के प्रतिबिंब का निर्माण होगा, और इस जगह पे ये दोनों किरणें मिल रही हैं तो इसका प्रतिबिंब P" Q" द्वारा दर्शाया जा रहा है। और यह प्रतिबिंब P' Q' के लिए आभासी होगा और ये वस्तु की तुलना में सीधा होगा,
यानी कि पी डैश क्यू डैश जैसा है वैसे ही पी डबल डैश और क्यू डबल डैश भी होगा, पर इसको हम वस्तु पी क्यू के साथ कंपेयर करें तो इसकी तुलना में ये उल्टा ही होगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि दूरदर्शी में भी दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा हो जाता है और इसी कारण हम दूरस्थ वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने विभिन्न प्रकाशिक यंत्रों के बारे में जाना, ये किस प्रकार काम करते हैं, इनका रेखा चित्र देखा और एग्जाम में इनमें से एक उपकरण के बारे में आपको जरूर पूछा जाता है, तो इसे इन रेखा चित्रों के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करना होगा। और आपको एग्जाम में इन प्रकाशिक यंत्रों के बारे में भी पूछा जाता है, तो जब आपको इन प्रकाशिक यंत्रों के बारे में वर्णन करने को कहा जाए तो आप इसमें रेखा चित्र का इस्तेमाल करें। रेखा चित्र की सहायता से इन उपकरणों का अच्छी तरह से हम वर्णन कर सकते हैं और एग्जाम में ज़्यादा अंक स्कोर कर सकते हैं।